नमस्कार दोस्तों, दीप्तिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ उसका नाम है चूरमा लड्डू। ये राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध डिश है, इसको आप अवश्य बनाइए। आइए देखते हैं इसको बनाने की विधि। यहाँ पर मैंने लिया है गेहूँ का आटा, आधा टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग सोडा और मोइन के लिए घी लिया है। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था, 2-3 चम्मच इसमें घी डाल देंगे और फिर आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से अब हम डो लगाएंगे। डो थोड़ा सा हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। ये देखिए इस तरह से, और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब मैं बाटी बनाऊंगी इस तरह से। इसमें थोड़ा सा मैं सूखा आटा लगाऊंगी अंदर और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। सूखा आटा लगाने से ये अंदर तक पूरी बेक हो जाती है। कुकर में बनाना है ये, अच्छी तरह से कुकर में अंदर तक बेक हो जाएंगी। इस तरीके से ये देखिए सारी बाटियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब इसमें मैं नाइफ की हेल्प से कट लगा दूंगी। ये इस तरह से सारी बाटियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इनको मैं कुकर में सेट करूँगी। आप देखिएगा किस तरह से कुकर में बनाते हैं बाटियों को। ये देखिए अब मैं गैस ऑन कर दूँगी, कुकर चढ़ा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और सारी बाटियों को इसमें सेट कर देंगे। कुकर थोड़ी देर पहले मैंने गर्म कर लिया था, करीब 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया था। उसके बाद अब ये देखिए सारी बाटियाँ सेट हो चुकी हैं। पहले से गर्म होने से ठीक रहता है, बाटियाँ नीचे चिपकती नहीं हैं। और ये देखिए हर 3-3 मिनट पे हम इसको हिलाते जाएंगे, फ्लेम थोड़ी कम ही रखेंगे और हर 3-3 मिनट पर ये देखिए इस तरह से हिला देंगे जिससे कि दोनों साइड से ये अच्छी तरह से सिक जाएंगी। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अंदर तक पूरी सिक गई हैं बाटियाँ। अब इनको ठंडा होने पर मिक्सी के जार में डालकर पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद इसमें ये चीनी पाउडर मैंने बना के रखा हुआ था इसको मिक्स कर देंगे इसमें। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाले हैं, काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, सब चीज़ को घी में फ्राई कर लिया था। अब इसमें घी भी मिक्स करेंगे। घी हम चेक कर लेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे जितने में लड्डू बनने लगेंगे। अभी मैंने 3-4 चम्मच डाला है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी डाल लेंगे। ये थोड़ा सा और डालेंगे, अभी लड्डू पूरी तरह से बन नहीं पा रहे थे तो थोड़ा सा मैंने घी और डाल दिया है। चूरमा लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और राजस्थान की तो बहुत ही फेमस रेसिपी है, आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइए। ये देखिए इस तरह से इसके लड्डू बांध दिए मैंने, लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। ये चूरमा लड्डू आप भी ज़रूर बनाइए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।